लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने बड़ा सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया है। भगवा दल ने महज एक दिन के भीतर तीन अहम सियासी पार्टियों को साथ दिया। फिर चाहे वो उत्तर भारत का यूपी हो, महाराष्ट्र हो या दक्षिण भारत के तहत आने वाला आंध्र प्रदेश, इन सूबों में भाजपा ने फैलाव के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमाया है। अटकलें तो ये लग रही है कि रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इनके संभावित गठजोड़ के बीच यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव को सर्वाधिक नुकसान की आशंका दिख रही है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जयंत चौधरी उनसे कन्नी काटकर नए साझेदार बीजेपी की ओर पूरा ध्यान देते दिख रहे हैं। जयंत चौधरी ने हाल ही में दो कार्यक्रम कैंसिल किए। पहला प्रोग्राम 12 फरवरी 2024 को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरौली में होना था। वादी चौधरी की 12 क्विंटल वजनी आदमकद मूर्ति का लोकार्पण किया जाना था, मगर बेटे ने इसे टाल दिया। जबकि दूसरा कार्यक्रम मथुरा में 4 फरवरी 2024 को तय था। यह युवा सम्मेलन कार्यक्रम था जिसे नए समीकरण को देखते हुए रद्द कर दिया गया। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि जयंत चौधरी शायद नए साझेदार की ओर ऊर्जा लगाना चाहते हैं, ऐसे में उन्होंने फिक्स कार्यक्रम टाल दिए हैं। इसी बीच खबर तो ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी की आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। बीजेपी से उनकी 3 से 4 सीटों को लेकर बात चल रही है। एनडीए में आने पर उसे 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लाया जा सकता है। सीटें बागपत और मथुरा हो सकती हैं, जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा की एक सीट भी आरएलडी पा सकती है। अगर दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी सपा प्रमुख के प्रस्ताव से फिलहाल खफा हैं। अखिलेश यादव के प्रस्ताव के हिसाब से 7 सीटें रालोद ले ले, मगर उसमें से 4 सीटों पर सपा के प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। रालोद का पार्टी कैडर सपा से इसलिए भी खफा है क्योंकि अखिलेश यादव का दल कैराना और मुजफ्फरनगर सीट से रालोद के चुनाव चिन्ह पर उतारना चाहता है। ये भी कहा गया है कि इस मसले को लेकर जयंत चौधरी पर जाटों और कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का भी दबाव बना हुआ है। खबरों की माने तो जयंत चौधरी बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर रालोद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जाएगा तब वो नरेंद्र मोदी सरकार से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लोहा लेने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को अलविदा कहने वाली अगली पार्टी रालोद बन जाएगी। जयंत चौधरी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया से दूरी बना ली थी। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के इंडिया गठजोड़ से किनारा करने के बाद जयंत ने बीजेपी से संवाद की दिशा में फिर से कदम बढ़ाए हैं। आरएलडी के कुछ सूत्रों की ओर से कहा गया है कि वो गठजोड़ में सपा के अच्छे प्रदर्शन को लेकर आशान्वित नहीं है। अब ऐसे माना जा रहा है कि अगर वो एनडीए में गए तब अखिलेश यादव को सर्वाधिक नुकसान हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र में 6 फरवरी की देर रात राज ठाकरे की मनसे के नेताओं ने सूबे के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से भेंट की। सूत्रों की माने तो मनसे के 3 नेताओं संदीप देशपांडे, नितिन सरदेसाई और बाला नंद गावरकर की इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे बात हुई है। वैसे से पहले हाल फिलहाल में कई ऐसे खास मौके देखने के लिए मिले जब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे मंच सादा करते हुए नजर आए। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में वो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों के बीच आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर बात होगी। खबरों की माने तो दोनों दल साथ आने के लिए राजी हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल ना तो कोई आधिकारिक ऐलान है और ना ही इस बाबत कोई आधिकारिक पुष्टि। हाँ, इतना बताया गया है कि बीजेपी के दोनों टॉप नेताओं के साथ मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन को लेकर विस्तृत बात हो सकती है। यानी कि एक तीर से 3 निशाने किए हैं और 3 बड़ी पार्टियों को यहाँ पर टारगेट करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अब देखना है कि 3 अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, 3 अलग अलग प्रदेशों में जाकर किस तरह से बीजेपी कमल खिलाती है।